फोटोशॉप के अंदर इस तरह का बैनर हम लोग कैसे बनाएंगे, साइज कैसे लेंगे बैनर का, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक जूते का, देखिए कितना खूबसूरत सा, देखिए यहाँ पे मैंने बैनर डिज़ाइन किया है फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह का बैनर हम लोग कैसे बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पे आप सेम वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, प्लस लेयर बाय लेयर यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइज़ कैसे लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, फाइल में जाते हैं या न्यू में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो साइज ले रखा है, देखिए यहाँ पे चौड़ाई ले रखा है 72 इंचेस ले रखा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 12 को अगर 6 से आप गुना कीजिएगा, मतलब 6 फुट बाई 3 फुट का मैंने यहाँ पे बैनर का साइज ले रखा है। 12 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो होता है 72, इसलिए 72 इंचेस ले रखा है। हाइट के लिए मैंने 3 फुट लिया है, तो 12 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो होता है 36, 12 × 36। रिजोल्यूशन 72, मोड RGB रखा है, और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड का जो कलर है वाइट रखा है। अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो यहाँ से आप CMYK चूज़ कर सकते हैं। अब ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6x3 का यहाँ पे देखिए बैनर का साइज आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग फाइल में जाते हैं, ओपन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस वेबसाइट से आप वो आपको ये सब मिलेगा। देखिए सबसे पहला जो है, एक मैंने देखिए यहाँ पे जूते का, यहाँ पे देखिए जूता ले रखा है यहाँ पे, ये PNG एक नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, देखिए बिना बैकग्राउंड का देखिए यहाँ पर ये जूता आपको दिख रहा है। अब सिंपली इसको ड्रैग करके अपने डिज़ाइन वाले पेज पर ले जा रहे हैं, तो लेकिन देखिए ये जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, फिर ड्रैग करके अपने पेज पे इसको ले जाकर यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। उसके बाद इसे Ctrl+T के साथ, Alt और Shift के साथ इस तरह से ड्रैग कर देंगे, जूता देखिए काफ़ी इस तरह से इक्वली बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ठीक यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ये यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगेन फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए PNG एक नाम का एक वेबसाइट है, इस तरह से ग्रीन बैकग्राउंड लिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीनरी का देख सकते हैं, ये भी देखिए PNG फॉर्मेट में है। अब इसको ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, ये भी देखिए यहाँ से नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं, और ठीक इसको पूरे अपने जो जितना आपका डिज़ाइन है उतने हिसाब से आप इसको इस तरह से स्केलिंग कर दीजिए। अब ये जूता जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए पीछे है, देखिए यहाँ पे, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो जूता को इस लेयर को ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सिलेक्ट करते हैं जूते को, और ठीक यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह से आप लगा दीजिए, हो गया। थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं, ये हो गया, देख सकते हैं ये यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन नया लेयर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए जो मैंने लिखा हुआ है न्यू अराइवल, यहाँ पे क्लिक करके करेंगे और लिखता हूँ मैं, देखिए NEW न्यू अराइवल ARRI, उसके बाद VAL लिख दिया। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट, ये जो फॉन्ट लिया है मैंने मिस्ट्रेल फॉन्ट लिया हुआ है, इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइनर फॉन्ट आप ले लीजिएगा, इसको इस तरह से हम लोग लगा देते, हो गया न्यू अराइवल। उसके बाद स्नीकर लिखना है तो इसी का ऑल्ट के साथ आप ड्रैग कीजिएगा तो एक और कॉपी बन जाता है इस तरह से। उसके बाद इसको टी इस तरह से सिलेक्ट किया मैंने, अब लिखना है मुझे स्नीकर, तो कैप्स लॉक ऑन कर दिया। अब लिख देता हूँ SNEAKERS स्नीकर्स कर दिया, लेकिन देखिए ये वाला थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होना चाहिए, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से मैं एक फॉन्ट लेता हूँ, यहाँ से मैं जो फॉन्ट मैंने लिया है वो गुडी स्टॉट बोल के फॉन्ट है। हमेशा जब भी आप डिज़ाइन करें तो कोशिश करें कि हमेशा गुडी स्टॉट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ Ctrl+T के माध्यम से, ये देखिए मैंने छोटा कर दिया। अब इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अभी इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये देखिए इसमें लगा दिया, इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये डिज़ाइन आप देखें यहाँ पे ग्रीनरी कलर से लिखा हुआ, हल्का सा लाइट दिया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, और यहाँ से ग्रीन वाला जो है, इस जूते का जो ग्रीन है, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मुझे ये ग्रीन चाहिए, ले लिया। अब इसको टेक्स्ट को मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, भैया ये मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से मैं ये वाला कलर लूँगा, फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा लाइट देंगे टेक्स्ट के ऊपर, तो फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए किस PNG नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से इस तरह से मैंने एक लाइट लिया है, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब इस लाइट को ले आते हैं अपने डिज़ाइन वाले पेज पे, यहाँ पे लेकर आते हैं। अब इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसको यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, इस तरह से थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको इस तरह से लेना है। उसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो लाइट दिख रहा है, अब यहाँ पे जो ब्लेंडिंग का बॉक्स है, यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं स्क्रीन। अब ये देखिए जो हल्का सा आपको लाइट दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से लाइट आपको मिल जाएगा टेक्स्ट के ऊपर, इस तरह से आप लाइट इसको लगा सकते हैं। अब इसको चाहें तो आप इस तरह से पीछे भी ले जा सकते हैं, ये देखिए इसके ठीक पीछे भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन पीछे ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे ही रखिए इस तरह से, हो गया। देख सकते हैं जिधर दिल करे आपका यहाँ पर लगा सकते हैं। एक और इसका ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग करता हूँ एक कॉपी, और ये देखिए एक कॉपी और यहाँ पे लगा देते हैं, हो गया, देखने में अच्छा लगेगा। अब एक लाइट और लेके आएंगे हम लोग, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, देखिए लाइट ग्लो, ओपन पे क्लिक करते हैं हम लोग। अब ये लाइट ग्लो को भी लेकर आते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीन कर देते हैं, यहाँ पे स्क्रीन करके देखते हैं, स्क्रीन कर देंगे तो वाइट हो जाएगा, नहीं भैया यहाँ पे ओवरले कर देते हैं, ओवरले, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का टोन आ जाएगा। ये देखिए अगर इसको चाहें तो आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से येलोइश टोन आ जाएगा, हो गया। अगर एक कम लग रहा है तो इसको ड्रैग करके एक कॉपी और बना दीजिए इस तरह से, तो ज़्यादा ये येलोइश टोन आ जाएगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से बन गया। आप इधर भी लगा सकते हैं जैसा आपका दिल करे, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये भी बुरा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, हो गया। अब बन तो गया मेरा डिज़ाइन, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। लेकिन एक फाइनली काम क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, इसको थोड़ा सा और इन्हांस कर सकते हैं। तो एक नया लेयर लेते हैं हम लोग और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर ई प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर ई प्रेस करने से सारा लेयर मर्ज होकर एक नया लेयर बन जाएगा। उसके बाद इमेज में जाके एडजस्टमेंट में यहाँ से इसका लेवल को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसका डीपनेस लाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देंगे तो खिला खिला मेरा डिज़ाइन नज़र आएगा। क्योंकि क्या होता है जब डिज़ाइन, देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। उसके बाद फाइल में जाके यहाँ से आप इसको सेव एज पे क्लिक करें, करने के बाद जिस जगह सेव करना है, जैसे यहाँ पे JPEG चूज़ कर लेते हैं, अब यहाँ पे अनटाइटल 1 नाम से स्नीकर नाम का फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं। अब सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या होगा अब देखिएगा, अब इसको JPEG फॉर्मेट के में सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार देख लेते हैं हम लोग डिज़ाइन को, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर JPEG क्वालिटी 12 मैक्सिमम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब भैया ये मेरा बैनर डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो है अब देखें यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये तो मैंने अभी आपको दिखाया मैंने। अब हम लोग अपने डिज़ाइन को देखेंगे कि हम लोगों का ये डिज़ाइन देखने में कैसा लग रहा है। तो ये फ़ोटोशॉप खुला हुआ है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और हम लोग डेस्कटॉप पे चले आते हैं। फिर फॉर अपलोड में आ गया मैं, आने के बाद यहाँ पर स्नीकर नाम का फोल्डर है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए स्नीकर नाम का फोल्डर है। अब इसमें हमारा डिज़ाइन देखिए अनटाइटल 1 नाम से बना हुआ, राइट क्लिक करेंगे इसको और यहाँ से हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन खुल रहा है, अभी आप देखें ये पीछे वाला डिज़ाइन था, अभी जो डिज़ाइन मैंने बनाया देखिए अनटाइटल नाम से, ये तो पहला वाला था। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सकते, ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो सिंपल सा आप इस तरह से 6x3 का बैनर आप बना सकते हैं, बहुत ईजी, 6x3 का आप बैनर आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।